तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आज स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जो कि सीजीपीएससी में भी यहां से क्वेश्चन निकल के आएंगे, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ के टॉप 3 शहर, छोटे शहर और कस्बों का भी नाम आया है। तो वो नाम बिल्कुल सर्वेक्षण में या सर्वे में के हिसाब से एग्जाम में पूछ सकता है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे, कि इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो मैं अपने चैनल में बनाता रहता हूं। ठीक है, देखो स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ है उसके तहत जो हमारे सीजीपीएससी में क्वेश्चन बनेंगे उसको हम निकाल रहे हैं, बस। और ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ के कई छोटे शहर है ना, छोटे शहर कस्बे टॉप 3 में आ गए हैं। अब आपको भी जानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से छोटे शहर है और कस्बे जो टॉप 3 में आ गए हैं, और इस सर्वेक्षण में किस किस आधार के हिसाब से सर्वेक्षण किया गया है। देखेंगे इसमें सफाई के मामले में इंदौर फिर से नंबर 1 है। इंदौर MP में है ना, सफाई के मामले में सबसे नंबर 1 इंदौर है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली से साफ है NCR। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारे हमारे सीजी वाले जो सीजीपीएससी के एग्जाम दे रहे उसके लिए जो क्वेश्चन बनेंगे, पूरा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां से देखो ये है आपके लिए काम की चीज, कहां से कहां तक, ये है छत्तीसगढ़ के लिए काम की चीज। और अच्छे से क्लियर करके देता हूं, ऊपर लेके आते हैं ताकि पूरा चीज समझ आए। देखो ये है सीजीपीएससी में यहां से क्वेश्चन बनाएगा 100%। आबादी के अनुसार रैंक, ये है आपका सेक्शन। क्या है आबादी के अनुसार 10 लाख से कम आबादी वाले पहले क्वार्टर की रैंकिंग हुई गई, तो इस रैंकिंग में बिलासपुर 3रे नंबर पे आया है, रैंकिंग में कोरबा 5वें नंबर पे, राजनांदगांव 19वें, जबकि रायगढ़ 12वें नंबर पे आया है। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले आबादी वाले की रैंकिंग स्वच्छता सर्वेक्षण में, इसमें बिलासपुर कितने 3रे नंबर पे आया है, ये याद रखना है आपको। या कौन कौन से शहर आए करके 4 शहरों के नाम भी दे सकता है। टॉप 20 के पहले क्वार्टर में 6 शहर आए हैं, ठीक है। दूसरा क्वार्टर हुआ, देखो ये टॉप 20 की लिस्ट थी ना, दूसरे क्वार्टर में देखो, ये दूसरा क्वार्टर हुआ था यहां पास, देखो इसमें अंबिकापुर आया है, फिर बिलासपुर आया है, फिर राजनांदगांव, मतलब टॉप कितना 50, टॉप 50 में दूसरे क्वार्टर में 8 शहर आए हैं सीजी के। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब टॉप 20 की बात करेगा तो इसमें बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव और रायगढ़ आया है, और टॉप 50 की बात करेगा तो ये आपके शहर आए हुए हैं। तो सीजीपीएससी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इस चीज को ध्यान देना, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन निकाल के 100% देगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अनुसार कौन से शहर सबसे साफ रैंकिंग के लिए चुने गए हैं, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, यहां पे कुछ डिटेलिंग है उसकी, कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले वाले जो जनसंख्या वाला जो शहर है उसमें रायपुर पहले क्वार्टर में 18वां स्थान लिया है, जबकि दूसरे क्वार्टर में 26वां स्थान। 18वें क्वार्टर मतलब क्या होगा, टॉप 20, और दूसरे क्वार्टर मतलब हो टॉप 50। ठीक है, इसी में कुछ जोन वाइज है, देखो ये इसमें हमारे जहां मैं रहता हूं उसका भी नाम आया है, इसलिए थोड़ी सी प्राउड की बात है। देखो ये तो आपका ये जो बाहर के जगह है जो 25,000 से कम है, 25,000 से 50,000 में जामूल, कांकेर, तिलदा, नेवरा भी आया है, और वहीं हमारा जो जहां मैं रहता हूं चरोदा भिलाई का भी नाम यहां पे मेंशन है, ये सेक्शन में है भिलाई चरोदा, महासमुंद जहां मेरे भाई लोग रहते हैं, चिरमेरी बिलासपुर के पास है, बिपिर गांव, यहां 50,000 से 1 लाख तक की आबादी, ये भी टॉप 3 में छोटे शहर है जो हमारा जहां पे हम रहते हैं उनका भी नाम स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में आया है। तो ये सब क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि सीजीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो सीजी के बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए, जो कि करेंट अफेयर के बेस पे था। इसको इस वीडियो को लाने का मकसद यह है कि हर वो अपडेट जो छत्तीसगढ़ में होगा जिससे आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रेडी हो सकते हैं वो मैं आपको हमेशा ला के दूंगा,
और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और क्योंकि इसी प्रकार के सीजीपीएससी अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।